दोस्तों, हम सभी चाहते हैं ना, जिस तरीके से हमारा जो शरीर है वो बिल्कुल सुंदर और सुडोल आकार में हो, बिल्कुल वैसे ही हमारा चेहरा भी एकदम खूबसूरत आकार में होना चाहिए। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ चेहरे का जो आकार है, चेहरे की जो शेप है, वो बिल्कुल बिगड़ने लगती है। हमारी जॉ लाइन जो है उसकी शेप बिल्कुल ख़राब हो जाती है, बहुत सारा फैट हमारे चेहरे पर डिपॉजिट हो जाता है। और हमारे जो चेहरे का जो आकार कभी जवानी में बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ करता था, आज वो एकदम गोलू मोलू सा, एकदम लड्डू या आलू की तरह होता गया है। और उसका कारण है क्योंकि कहीं ना कहीं पर हमने अपने चेहरे की स्किन को बेहतर करने के लिए तो काम किया, लेकिन उस स्किन के साथ साथ हमारे चेहरे को, हमारी एज को कम दिखाने के लिए जो चीज जिम्मेदार है वो, और वो है हमारे चेहरे का आकार। आप देखिए, चेहरे का आकार आपका अगर सुंदर ना हो, सुडोल ना हो, तो स्किन चाहे कितनी भी खूबसूरत हो, हम उतने ज्यादा एनर्जेटिक, उतने ज्यादा यूथफुल अपीयरेंस नहीं दे पाते हैं। सो आज के इस वीडियो के अंदर दो चीजों के बारे में सीखेंगे। एक सीखेंगे रोज की जाने वाली एक प्रक्रिया के बारे में, जिस प्रक्रिया को करके आप आपके गले पर आई हुई चर्बी को, आपकी गर्दन पर आई हुई चर्बी को, या फिर आपकी जॉ लाइन जो बहुत ज्यादा लटक गई है, आपके गाल जो एकदम फूल करके कुप्पा हो गए हैं, उन्हें सबको बैलेंस करने के लिए, उन सबको शेप में लाने के लिए एक प्रक्रिया सीखेंगे। दूसरा, एक नेचुरल जड़ी बूटी के बारे में जानेंगे, जिसका इस्तेमाल करके अगर हम चाहें तो अपने फैट को रिड्यूस कर सकते हैं, अपने फैट को ना सिर्फ चेहरे से बल्कि शरीर के हर एक हिस्से से कम करके हमारी मसल्स की ग्रोथ को भी हम बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी ना सिर्फ एज कम दिखाई देगी बल्कि हम दिन भर बहुत ज्यादा एनर्जेटिक अनुभव करेंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने आप को एक रिवर्स गियर लगाना, या फिर आप भी चाहते हैं कि अपने आप को 10 साल पीछे ले जाना और इस यात्रा में आप अपने आप को आगे ले जाना चाहते हैं, सो मेक श्योर इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो को देखने के साथ साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आप जैसे ही बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर एक वीडियो का आनंद ले सकें और उससे मिलने वाली जानकारी से अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी ला सकें। सो देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, चेहरे का आकार एक ऐसी चीज़ है जो हर साल हर समय बदलता हुआ हमने अनुभव किया है। 10 साल की एज में जो हम दिखाई देते थे, 20 साल की एज में हम बिल्कुल अलग दिखाई देने लगे, 25 साल में बिल्कुल अलग दिखाई देने लगे, और 20 से 25 में जाने पर इवन हमारी स्किन में यौवनता आई, हमारा चेहरा और ज़्यादा सुदृढ़ दिखाई देने लगा। लेकिन जैसे ही 25 या 28 के ऊपर हम जाते हैं, हमारा चेहरा लटकने लगता है, हमारे चेहरे पर बहुत सारा फैट डिपॉजिट हो जाता है, हमारी जॉ लाइन की खूबसूरती, जॉ लाइन की शार्पनेस कहीं ना कहीं पर खत्म हो जाती है। और इन सबको ठीक करने के लिए एक आयुर्वेद में बताई गई एक बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है, जिसे संस्कृत में कहा जाता है गंडुषा। गंडुषा, जिसे कि इंग्लिश के अंदर कहा जाता है ऑयल पुलिंग, एक ऐसी प्रक्रिया है जो सुबह सुबह अगर हम सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए कर लेना, तो पूरे चेहरे को एक बेहतर आकार दे सकते हैं। और ना सिर्फ चेहरे को एक बेहतर आकार मिलता है, बल्कि शरीर में जमा जितने टॉक्सिन्स होते हैं, जितनी जमा गंदगी होती है, वो सब कुछ निकल करके बाहर आ जाती है। और जब ये बाहर आ जाती है, तो हमारा चेहरा वापस से यौवनता का अनुभव करने लगता है, यूथफुल अपीयरेंस हमारे चेहरे पर हमें दिखाई देना शुरू हो जाती है। लेकिन यहां पर अब सवाल आता है कि इसे किया कैसे जाए। तो इसे करना बहुत आसान है। सुबह उठने के बाद सबसे पहली प्रक्रिया यही होनी चाहिए, मतलब कि आपको ब्रश भी नहीं करना है, सीधा सबसे पहले आपको ऑयल पुलिंग या गंडुषा की प्रैक्टिस करनी है। अब सवाल आएगा, इसके लिए कौन से ऑयल का इस्तेमाल किया जाए। तो इसके लिए अब 3 तरह के स्पेशल ऑयल्स हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1, तिल का ऑयल सबसे बेस्ट कहा गया है, क्योंकि आयुर्वेद तिल के तेल को ना सिर्फ स्किन के लिए, बालों के लिए, बल्कि इंटरनली भी बहुत ज्यादा हेल्दी मानता है। दूसरा, अगर आपके पास तिल का तेल नहीं है, तो उस कंडीशन में आप कोकोनट ऑयल जो है, मतलब नारियल का जो तेल है, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नंबर 3 जो आता है, वो आता है वीट जर्म ऑयल या कैस्टर ऑयल। वीट जर्म ऑयल मतलब कि गेहूं को अंकुरित करके बनाया गया तेल, या फिर कैस्टर ऑयल जिसे हिंदी में हम अरंडी का तेल कहते हैं। इन चारों में से बेहतरीन जो ऑयल होगा वो तिल, फिर कोकोनट ऑयल, फिर वीट जर्म ऑयल और फिर कैस्टर ऑयल। तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से जो ऑयल अवेलेबल हो, आप उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। 1 चम्मच, मतलब लगभग 10 ग्राम के आसपास आपको जो इस ऑयल है, इसे मुंह में पहले डाल लेना है। डालने के बाद जैसे हम कुल्ला करते हैं,
ठीक है, पूरे मुंह में हम इस पानी को जैसे घुमाते हैं कुल्ला करने के लिए, वैसे ही हमें इस तेल को पूरे मुंह में घुमाना है। बहुत अच्छे से घुमाइए, कोशिश कीजिए कि मुंह के हर एक हिस्से तक ये जो ऑयल है ये जाए, रोटेट करे और वहाँ पर जमा जितना भी स्लाइवा है उसको ये अपने अंदर मिला ले। जब भी आप ऐसी प्रक्रिया करोगे तो शुरू में 1 या 2 मिनट में ही आपका मुंह थक जाएगा, लेकिन जैसे जैसे आप हर रोज इसे करते जाओगे आपका जो टाइम है वो बढ़ता चला जाएगा और ये 5 से 10 मिनट तक भी हो सकता है। जितना ज़्यादा आप टाइम देंगे उतना ज़्यादा आपकी जो फेस की मसल्स हैं इनकी एक्सरसाइज होगी, जितनी ज़्यादा फेस की मसल्स की एक्सरसाइज होगी इनका फैट कम होगा, इनको आकार मिलेगा, स्माइल बहुत खूबसूरत होगी, जॉ लाइन का आकार बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये तो हो गए बाहर दिखने वाले रिजल्ट्स, अंदर क्या होगा, आपकी ओरल हाइजीन अच्छी होगी। तो अगर आपके दांतों में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, मसूड़ों में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, पाइलिया का प्रॉब्लम है, मुंह से स्मेल आती है, सांसों से बदबू आती है, किसी भी तरह का ओरल अगर आपको प्रॉब्लम चल रहा है वो ख़त्म होता है। और इवन ये भी बताया गया है कि अगर हम इसे रोज करते हैं तो इसका असर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जमा होने वाले सारे के सारे टॉक्सिन जो हैं उनको निकालने के लिए भी बेहतरीन माना गया है। तो इसे आपने 2 से लेकर 10 मिनट तक अच्छे से खुला किया, अब आप इसे थूक दीजिए, स्पिट कर दीजिए। जब आप इसे स्पिट करोगे बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो चुका होगा क्योंकि इस तेल के साथ में बहुत सारा स्लाइवा जो थूक होता है वो मिल जाता है। अब आप थोड़ा से पानी को गुनगुना कीजिए या गर्म कीजिए, उससे अपने मुंह को कुल्ला कर लीजिए और फिर आप ब्रश कर लीजिए। ये प्रक्रिया आप जब रोज करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मैंने अपने बहुत सारे पेशेंट्स को करवाया, इवन मैं खुद भी करता हूँ और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट इसके मिल रहे हैं। तो ये हुई एक प्रक्रिया जिसको हमें रोज प्रोसेस करते हैं। दूसरा, अब देखो शरीर में जमा जो टॉक्सिन्स हैं यही एक्चुअली हमारे शरीर का आकार बदलते हैं, तो बहुत ज़रूरी होता है शरीर को डिटॉक्सिफाई करना और साथ के साथ में शरीर में जमा जितने भी न्यूट्रिशंस की कमी है उन सबको पूरा करना। तो ऐसी कंडीशन में मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि वीट ग्रास जूस या वीट ग्रास पाउडर, जिसको कि ज्वारे का रस या ज्वारे का पाउडर कहा जाता है, इसे अपने रूटीन में ज़रूर शामिल कीजिए। वीट ग्रास जूस या वीट ग्रास पाउडर के अंदर मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब कि बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे विटामिन्स और बहुत सारे ट्रेस एलिमेंट्स का ये कॉम्बिनेशन होता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर को चलाने के लिए जिन भी पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है वो सारे पोषक तत्व हमें इसके अंदर मिलते हैं और इनकी वजह से हमारी स्किन, हमारे बाल, हमारी बॉडी, हमारी मसल्स, हमारी बोन्स, हमारी जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उन सबको रिकवरी मिलती है। सो मेक श्योर अगर आपके आसपास आपको ज्वारे का रस फ्रेश, हाँ डब्बे वाला नहीं बोल रहा हूँ मैं, अगर आपको ज्वारे का रस फ्रेश मिल जाता है तो आप उसे रोज आधा कप सुबह आधा कप शाम को पीजिए, और अगर आपको नहीं मिलता है तो आप ज्वारे का पाउडर, मतलब कि वीट ग्रास पाउडर जिसे कहते हैं, इसे 1 चम्मच सुबह 1 गिलास पानी के साथ और 1 चम्मच रात को 1 गिलास पानी के साथ लेना शुरू कीजिए। ये आपको बहुत ही ज़्यादा मैजिकल रिजल्ट्स देगा और 3 महीने के अंदर ही आप देखोगे आपके चेहरे का आकार, आपके शरीर का आकार बिल्कुल तरीके से अच्छे से बदल चुका है और आपका शरीर और आपका चेहरा सुंदर और सुडोल दिखाई दे रहा है। मेक श्योर इन दोनों प्रैक्टिसेस को अपने रूटीन में ज़रूर शामिल कीजिएगा और फिर आपका जो भी फीडबैक होता है वो मुझे कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि जितने भी वीडियोज़ हम आपके लिए अपलोड करते हैं आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लेकर आते होंगे और आपके सकारात्मक परिवर्तन का असर आपके पूरे परिवार पर और आपके समाज पर दिखता होगा। मेक श्योर अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, आपका प्यार आप जैसे मुझे देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।